फंस रही है अनुपमा केंजल के मोह जाल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। केंजल को अनुपमा की खूबियां पता है। केंजल को ये भी पता है कि इस समय अगर कोई मेरा सहारा बन सकता है तो वो है मम्मी यानी कि अनुपमा। इसलिए केंजल को ये भी पता है कि मम्मी से जोर जबरदस्ती तो की नहीं जा सकती। मम्मी की वीकनेस रिश्ते हैं, तो दादी पोती का रिश्ता इससे अच्छा क्या होगा मम्मी को घर पे रखने के लिए। और मम्मी के सब दरवाजे भी बंद करने हैं, ये सब जो है केंजल नोइंगली और अननोइंगली कर रही है। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ पे अनुपमा जिस तरह से केंजल को देख रही है, अनुपमा ने तोशु और केंजल का डायलॉग भी सुना था, मगर अभी तक केंजल क्या सोचती है ये अनुपमा को नहीं पता। अभी तक वो अपने बेटे को ही टोटली गलत मान रही है और केंजल को बेचारी मान रही है कि ये तो चाहती है कि मैं यहाँ पे रहूं मगर मेरा बेटा नहीं चाहता। और केंजल ये बात समझती है, इसलिए केंजल तब कुछ नहीं बोलती जब तोशु अनुपमा को बोल रहा होता है। वो वहां पे बकायदा बेचारी बनी ही रहती है कि मैं तो बेचारी अबला नारी, तेरा ही बेटा मेरे पे जुल्म कर रहा है। और अब जैसे केंजल अनुपमा को लेके आई है, अचानक से टकरा गए, जैसे मैंने कल भी वीडियो बनाया था, वीक मोमेंट है अनुपमा के, लेके आ गई। अब तोशु भी घर पे नहीं है, अब परी को केंजल लेके आ रही है। परी को उसने बता दिया दादी है, और वो भी सब होगा कि दादी को रखो घर पे, दादी को अच्छा नहीं लग रहा, दादी दुखी हो रही है, तो दादी को बोलो घर पे रहो। अब यहाँ पे अनुपमा को समझना पड़ेगा, जो कि वो समझ भी रही है मगर फिर भी इतने प्रेशर में है कि वो केंजल की बात सुनती जा रही है। अब अनुपमा यहाँ पे अगर ये कहती है कि तोशु जब तक नहीं है तब तक मैं रह लेती हूँ, गलत है। क्यों रहना, क्योंकि केंजल तो यही चाहती है कि अब तोशु भी नहीं है और परी का मैं अकेले कैसे ध्यान रखूंगी, सारा कुछ कैसे मैनेज करूंगी, तो अनुपमा यहाँ रहेगी तो ठीक है। और इसीलिए वो दीपू को भी बुला लेती है ताकि अनुपमा को ये भी नहीं लगे कि मैं जबरदस्ती कर रही हूँ। केंजल बहुत सेफ गेम खेल रही है और ये सेफ गेम ही केंजल का मोह जाल है, जिसमें अनुपमा केंजल को कभी गलत समझेगी ही नहीं, क्योंकि केंजल की नीयत साफ नहीं है यहाँ पे। चाहे वो अनुपमा के साथ कुछ बुरा नहीं कर रही है मगर अपना भला कर रही है, और इस भले में वो ये नहीं देख रही कि इस समय अनुपमा के लिए जरूरी क्या है, उसके अपने पैरों पे खड़ा होना, जो अनुपमा ने हमेशा दूसरी फीमेल के लिए किया है, दूसरों की बेटियों के लिए किया है, अपनी बेटी के लिए किया है, हमेशा उसे यही सीख दी है कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। मगर आज अनुपमा को केंजल अपने ऊपर डिपेंडेंट करने की कोशिश कर रही है, तो ये केंजल की गलती है। और ये काफी हद तक अभी केंजल कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अनुपमा पे मुसीबतें बढ़ेंगी और उन मुसीबतों में अनुपमा के लिए कंधा केंजल बनेगी, और कंधा बनते बनते वो उसको अपने घर पे ही रहने के लिए मजबूर भी करेगी। ये सब कुछ आने वाले समय में हो सकता है अगर अनुपमा जागी नहीं तो। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.